Anyways, welcome back in Manfi's room. This is Manfi. And today we are going to react on Mr. Beast gave away PS5 4 to Baba. So by Dank Rishu. So Dank Rishu ka aa gaya hai ye video. मेरे को लगता है कि हमने बहुत टाइम बाद Dank Rishu की वीडियो पे रिएक्ट किया बहुत दिनों बाद शांति के बाद डिसअपॉइंट हो गए थे शांति के बाद हाँ यार शांति के बाद नहीं लाइफ में थोड़ी अशांति फैल गई थी बट फिर से हम शांति में आ गए हैं और हम Dank Rishu की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं तो डायरेक्टली गोज टू वीडियो हियर वी गो हियर वी गो अच्छा पुराने टाइप की वीडियो क्या डोंट नो I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. जय हिंद जय भारत दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनूप नॉर्मी कौन लगा के किसने लगाई है ये भैंचू तुम देखते हो नहीं दो तीन दिन गायब जय हिंद जय भारत दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनूप नॉर्मी आज हम लोग आ चुके हैं एक नई क्राइम साइट पे कर दे भाई स्पिट कर दे कर दो भैया स्पिट कर दो मौसम केंट है अंकल भेंट है बोल्ट के आगे का नाम ट्रेंट है और इसी ट्रेंट के चलते हुए बंबई इंडियंस ने आईपीएल का कप ले लिया है हमारी माशुका भी हमारे घर से कप ले गई है तो काम वाली से काम चला लिया और उसकी कहानी आपको अभी बताते हैं तो इसी के चलते हमारी काम वाली ने लगा दिया हमको चाटा जो कल तक बोलती थी मिस्टर और आजकल आरोप बेचने वाले लौंडे भी लगा रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे PS5 का फिल्टर अब इसे मोटाई की मार ही कह लीजिए दोस्तों कि लोग हमको भी बोलने लग गए हैं बाबा और इसी मोटाई के चलते हुए पब्लिक मेट्रो में एक अजनबी ने इस बाबा का दावा सरकार ने कर दिया पटाखे बैन नाराज कर दी साउथ दिल्ली की बंदी पबजी और हिंदुस्तानी भाव और पैक सो हवा अभी भी उतनी गंदी मैंने तो कुछ नहीं बोला अगर तुम माँ के लोड़ो के दिमाग में सिक्योरिटी गार्ड आया ना तो तुम रेजिस्ट हो मैं नहीं खैर क्या ही फर्क पड़ता तुम तो एक ही चीज सुनने आए हो बोल दे यार हाँ भाई किसकी चिल्लड़ वैसे एक दिन छुट्टी ली थी मैंने साहब ओ भंचू फट गया क्या पॉकेट है यार अरे भंचू यहाँ क्यों नहीं दे रखी जेब अबे जेब ही तो है अभी खुल जाएगी क्या तुम भी हर चीज में बकचोदी ये स्माइल्स की से बात एक नहीं है ना यहाँ साइड में अबे ढक्कन लगा के बंद कर दिया क्या पॉकेट को यार फिर से रेमंड्स का बोल के रेनॉल्ड्स का कुर्ता दिला दिया क्या आप लोगों ने यार फेस्टिव सीजन है सब कुछ चलता है ना मम्मी जी मैं तो नमक खा रही ऐसी और कुछ नहीं और तुम लोग क्या देख रहे हो अच्छा और चूंकि तू क्या देख रहा है Dank Rishu का एपिसोड है इंट्रो लगा वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ Dank Rishu अगर ये वीडियो तुम लोग 14 तारीख के बाद देख रहे हो तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली और अगर ये वीडियो तुम लोग 14 को ही देख रहे हो तो अभी 14 ही हो रही है आज तो एडिट हो नहीं पाएगी बाहर निकल दीवार से क्या कर रहा था टॉयलेट के बाहर तो सीधा पहले सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है ओनली फैक्ट्स तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बाबा के ढाबा पे जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया वाले भी बोलते जब उनके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे होते नहीं यार नेटफ्लिक्स इंडिया वालों कोई दुश्मन नहीं है क्या मेरे से मुझे बता दो मैं भी बैठ के पदोड़ लेता हूँ दो चार वीडियो पे रिएक्ट कर दूंगा मेरी जेब में भी पैसे आ जाते हैं देख लो खुल गई ओ खुल गई नमस्ते हम आपसे बात करने आए हैं
मैं बस इतना बोलूंगा भाई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, वो कूल नहीं बन रहा है। तो यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बाबा खुद के ही बुने हुए जाल में अब खुद ही फंसे जा रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके मतलब बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, ये चीज तुम लोगों को जिंदगी में कहीं नहीं लेके जाएगी, किसी को फालतू में ठेस मत। बाबा की गांड में कितना पानी है, 1 लाख इक्वल्स टू 1 kg। माहौल आती थोड़ा सा गरम हो गया तो सीधे चलते एक फन स्टोरी की तरफ, जो आज से 3 हफ्ते पहले हुई थी, जो की है टेक्स्ट दैट नंबर राइट देयर एंड टू सेलिब्रेट आई एम गोना गिव वन रैंडम पर्सन दैट टेक्स्ट दैट नंबर टुडे $1000 जस्ट फॉर फन। तो अमीर होने की वजह से अमीर मिस्टर बीस्ट ने आज से 3 हफ्ते पहले यानी कि 25 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक फोन नंबर दिया था। टिपिकल अमरीकी आदमी, अमीर है तो हर जगह नंबर बांटता फिरता है। खैर बेसिकली ये आदमी विदेश का लक्ष्मी चिट फंड है, नंबर निकल गया तो बोल रही है 70,000 रुपए ले जाएगी, साफ सीधी बात। अब हमारे बेचारे मिस्टर बीस से गलती क्या हो गई कि वो अमरीकी है और उन्होंने अमरीकी नंबर दिया था, और ऑफ कोर्स भारत के लोगों ने क्या किया, प्लस वन को इग्नोर। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, प्लस वन को कौन ही देखता है। अरे भाई साहब प्लस वन कैसे कर दिया आपने टिकट में, बालक है अपने चिंटू, 9 साल का अभी तो, बताइए सुनीता 16 का हो गया ना चिंटू। हम तो ही जाएंगे। तो जब भारतीय लोगों ने इस नंबर को विदाउट प्लस वन सेव किया तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो +91 से सेव हो गया। और आगे मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। जब उन्होंने वो +91 से सेव किया ना, तो वो भारतीय कोई बंदा था विजय पाटिल करके, वो उससे पैसे मांगने लग गए और उसने DP बदल दिया व्हाट्सएप पे, आई एम फ्रॉम इंडिया मिस्टर विजय पाटिल नॉट मिस्टर बीस्ट प्लीज डोंट मैसेज मी। यार जब भी किसी विजय के साथ पैसों का मामला जुड़ा हो ना, वो अपनी नेशनैलिटी प्रूफ करने लग जाता है, मैं इंडिया से हूँ मुझे मैसेज मत करो। खैर अब तक मिस्टर बीस्ट ने मेरे को तो रिप्लाई किया नहीं है, बट तुम लोग ट्राई जरूर करते रहना, हो सकता है $1000 तुम्हारे नाम लिखे हो, ऑफ कोर्स विदाउट द वन। लगता है पाटिल साहब को इमोजीज पसंद नहीं आए। नेक्स्ट, अगली जो न्यूज है वो एक न्यूज नहीं, बेसिकली एक मीम है जो इसके साथ परफेक्टली मैच करती है। या तो तुम पवन चौधे मरते हो या तो तुम इतना जी लेते हो कि अपने आप को चूतिया बनते हुए देख लेते हो। परफेक्ट। तो चौल के क्लार्क केंट यानी कि मुकेश खन्ना ने कुछ रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए जो कि काफी, मर्द अलग होता है औरत अलग होती है, औरत की रचना अलग होती है मर्द की रचना अलग होती है, औरत का काम है घर संभालना। मुकेश भाई रसोड़े में कौन सा ट्रेंड लास्ट मंथ था, इस मंथ नहीं। देखो यार मैं डैंग ऋषि हूँ, इस मुद्दे पे बोलने के लिए मैं उतना ही क्वालिफाइड हूँ जितनी बार तुम्हारे छपरी यूट्यूबर ने जोक फॉर्मेट कॉपी करा है, जितनी बार इतनी बार। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ, कभी कभी बोल भी देता हूँ, क्या मतलब है और कितना बोलना, बोल तो दिया। तुम चने कुकर में चढ़ा कर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, कौन था? अबे तू थी औरत और कौन था? मैं थी, तुम थी। रिकॉर्ड हो रहा था क्या? मैं थी। चल ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। बोल बो रहे हैं मगर सब धमारे हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई 2020 की माया और कुछ नहीं, पता नहीं और क्या क्या दिखाएगा। बचपन से सॉरी शक्तिमान बोलती माया, अब शक्तिमान को सॉरी बोलने की नौबत आ रही है, बट आई होप आगे और कुछ बुरा ना हो और वो सुधर। अब अगली घटना क्या घटित हुई है कि एक मूवी आई है लक्ष्मी बम करके, अब लक्ष्मी हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ इस एपिसोड का नाम इंडियन स्पेशल कर दो, क्योंकि ये काम इंडियन ही कर सकते हैं, और नहीं तो क्या, लक्ष्मी बम का लक्ष्मी कर दिया, एक दिन में बम हटा दिया और अमरीकी सालों से कोशिश कर रहा। खैर तो हुआ क्या कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मूवी आई, लोगों को पसंद नहीं आई, मूवी पिट गई। तो जब ये मूवी नेम लक्ष्मी या लक्ष्मी बम वाला इशू चल रहा था, तो मुकेश खन्ना ने भी सोचा कि इस विवाद के लंड के नीचे अपने 2 कोटे चिपका ही देता हूँ। तो जब मूवी के नाम पे सवाल उठ ही रहे थे, तो मुकेश खन्ना ने भी बोल दिया कि पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, मूवी का नाम लक्ष्मी बम ही क्यों है, अल्लाह बम या जीसस बदमाश क्यों नहीं है, क्योंकि शायद अल्लाह बम और जीसस बदमाश नाम के पटाखे नहीं होते हैं। यार ये मुकेश खन्ना मुंबई के सारे स्टीरियोटाइप्स प्रूफ करने आया है क्या, लड़कों ने लड़कियों को इतना पटाखा बुला दिया कि अब एक्चुअल वाले पटाखे भूल ही गए हैं। एट द एंड मैं बस मुकेश जी को यही बोलना चाहूंगा कि सॉरी शक्तिमान, हर चीज इंटरनेट पर डालना जरूरी नहीं है, जो कि लेके चलते हैं हमको अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। एक तो जब से इंटरनेट खोला पूरी चप्पल के दाम पे मिलने लगा है ना, हर कोई अपनी लाइफ ऑनलाइन बनाने पे तुला हुआ है। अब यही देख लो, तो ऐसी रही सुहागरात और फिर 5 दिन बाद शी इज प्रेग्नेंट। अब आयरन ब्लॉग्स ऐसे हो रहे तो स्किटे तो सोचो कैसी बनती होंगी, बीवी साली और करवा चौथ तो इसका यहाँ पे क्या काम है। ओ हाँ शायद ये कॉमा डालने के लिए होगी। खैर कॉमा से ऊपर बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं मध्य प्रदेश, जो कि भारत का नक्शा भी कहता है, कॉमा से ऊपर मध्य प्रदेश। तो ये न्यूज मैं टुकड़ों में सुनाऊंगा, देखते तुम्हें कौन से पॉइंट पे शॉक लगता है। तो मध्य प्रदेश में एक आदमी ने लाइव स्ट्रीम कर दी,
ये शॉकिंग बात नहीं है, 2020 चल रहा है, कर सकते हैं। पूरी न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश के एक आदमी ने लाइव स्ट्रीम कर दी अपनी दो बीवियों के साथ करते हुए। तो मध्य प्रदेश का टूरिज्म और नाम दोनों बिगाड़ रहे हो तुम लोग। क्या टूरिज्म स्लोगन है मध्य प्रदेश का? द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और तुम मां के लोड़े क्या कर रहे है भाई, थोड़ी लज्जा रख ले बहन चो। बिट्टू कुछ तड़कीला सा लगा दे यार, भोपाली संभोग दिखाइए। मैं मम्मी को बता रहा हूँ बिट्टू, गलत चीजें देख रहा है। क्या हो गया मध्य प्रदेश को? पहले इंदौर के लिए जाना जाता था और अब बिहाइंड द डोर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यार, बाय बाय। इंतजार किया बच गए चार, शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ। अब तो पहन का हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साथ। हमेशा सोचते थे क्या था, देखा आया कुछ PS5। सुनो सर ये थी वीडियो, देखा जो मूवी लक्ष्मी, लक्ष्मी मम्मी में उसका रिव्यूज आए हैं। आई वॉच दैट मूवी एंड आई डोंट लाइक दिस। उसके बताया कि जो ओरिजिनल वीडियो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग पार्ट जो मूवी का, वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ दैट मूवी बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, आई थॉट ही इज फनी मूवी, ही इज फनी, दैट मूवी वाज फनी। बट व्हेन आई वॉच दैट मूवी हाफ पार्ट इज ओके, मतलब जहां तक अक्षय कुमार का रोल था कि वो घर जाता है, अगर वो सब मूवी स्पॉइलर नहीं बनना चाहती, बट उसके बाद का पार्ट मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई रियली डोंट लाइक दैट मूवी, पता नहीं कैसे लगा था, क्या चल रहा है अभी ये, मुझे पसंद नहीं आया, आई डोंट रियली लाइक इट। दोनों बातें अलग थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था, मैं सोचा कि ऐसा होता है क्या, मतलब कई बार होता है, जैसे मुझे नहीं पता होता, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती ना, तो मुझे मैं पूछ रहा था, मैं क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा था ऐसा है क्या ऐसा। तो मैं मेरी सीरियसली बैड हो जाती बस, और कुछ नहीं, तुम्हें बस बोलना था। तो मुझे मूवी पसंद आई थी, बट हाँ ये जो जिस तरीके से ट्रॉल किया, और सबसे बड़ी बात मैंने नहीं सुना था कि सॉरी शक्तिवान वाला को लेकर से कुछ, हाँ कुछ भी नहीं, मैंने इससे रिलेटेड नहीं सुनी। सही सही बात है, मुकेश मुकेश हमारे शक्तिमान जी, जिसकी वजह से सैटरडे की छुट्टी करना सीखा मैं। ये शक्तिमान सैटरडे 90 शो बहुत इंटरेस्टिंग सीन, मैंने ना सिर्फ 2000 में आता था मे बी, वो 90s में 90s के बच्चों का शो था, मैं ये कहना चाह रही हूं बच्चों, हम नहीं, मैं नहीं बहुत देखा, ये तो 90s की 18s की है, मैं अभी कम, मैं तो अभी कहूं, ओ सॉरी, मैं वाला बहुत कब का है, मैं 2002। अब देख लो, अब कहते हो ये बच्चों और हो चुके हैं, इसके तो बचपना बच्चा, ये बचपना क्या हुआ, बच्चा ये दिमाग ही नहीं है, बच्चों वाला दिमाग है जी। यू आर टॉकिंग अबाउट योर एज, डैंग रिशो की बात कर रहे हैं। बाकी ये न्यूज अलग तरीके से थी, बाकी जो न्यूज चैनल्स मतलब यूट्यूब न्यूज चैनल्स जो देखे हमने अलग है, ये काफी अलग पूरा स्किट वगैरह के साथ कर साथ। हाँ दैनिक रिशो, पहले मैं सोचा था न्यूज क्यों दे रहा है, फिर मुझे याद आया ये तो दैनिक रिशो था, तो लेकिन इससे पहले वाले दैनिक रिशो था, और पहले मैंने डैंग रिशो के लिए स्टार्टिंग से जो मैं बोलती थी कि वो लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं बातों में, तो ये मुझे वापस देखने को मिला कि आज बातों में मुझे लॉजिक लगा। हाँ एक लाइव स्ट्रीम मैं देख रहा था अभी, लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम, उसमें बोला भाई साहब आप सब लड़ो मत एक दूसरे से, सब पता नहीं क्या कुछ कमेंट्स में चल रहा होगा, तो वहां पर मतलब कुछ जनवरी में बहुत बड़ा आने वाला है किसी के खिलाफ, कंटेंट चौकीदार आने वाला है। स्पॉइलर क्यों बन रहे हो? स्पॉइलर नहीं, उसने खुद बताया कंटेंट चौकीदार आने वाला है, जो अपना स्पॉइलर खुद बन चुका है, तो ये वीडियो में मजा आया, और नाम थोड़ी बताया कौन सा वीडियो, जो बातें बोलता है, जो पॉइंट पे बोलता है, वो बोलता है पॉइंट पे जो कि वैलिड लगता है, जैसे स्लेव पॉइंट है, स्लेव पॉइंट भी बहुत पॉइंट की बातें करता है, बट डैग रिशो का बोलने का स्टाइल इतना काबली होता है, ही सेड वेरी वेल, ही सेड वेरी वेल, वो तो स्लेव पॉइंट है ना, इसलिए तो पॉइंट पे बोलता है। हां बट डैग रिशो का जो पॉइंट होता है वो बोलता है, बट उसका एक फ्लो जो होता है ना, वो बहुत स्वीटली अपनी बात कह जाता है, वैसे ये थोड़ा उल्टा होना चाहिए था, डैग रिशो बेइज्जती करता है, बट ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ जैसे हमारे बोला था भाई इतने सारे इमोटिक, ये तो इनका वो हेलो हुआ है। Yes, I always remember that. So दोस्तों till then अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक इसे सब्सक्राइब कीजिए, and do comment also including your suggestion. So till then bye-bye, करना था signing. Bye-bye. और उसकी वजह से आजकल आप देख रहे thumbnails में इमोटिकॉन्स।